हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूफ करने वाले हैं, दैट इज़ प्रूफ दैट बीटा, एक प्रूफ आएगा आपको पूछने के लिए, दैट इज़ फाइंड द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। और ये जो है आपस का एक रिलेशन होता है बीटा के गामा के साथ, दैट इज़ बीटा ऑफ एम कॉमा एन इक्वल्स टू गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन अपॉन में गामा ऑफ एम प्लस एन। ये जो मैं इसको वीडियो में आपको प्रूफ के बताने वाला हूँ, तो देखो इसको कैसे लिखूँगा मैं। सिंस वी नो, क्या बताओ, तो एक जनरल फॉर्म होता है गामा फंक्शन का, दैट इज गामा ऑफ एन इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू जेड की पावर एन डी एक्स। ये अपना क्या है, एक जनरल फॉर्म होता है गामा फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं जनरल फॉर्म, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ कुछ करेंगे जो आगे हमको काम आने वाला है, ठीक है। तो आपको बाद में मालूम पड़ जाएगा कि ये सब चीज़ें जो है मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाइंग ई की पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर सॉरी जेड की पावर एम माइनस वन ऑन बोथ साइड्स एंड इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू जेड फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो अपने क्या हो जा रही है, गामा ऑफ एन जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर एम माइनस वन डी जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे दो इंटीग्रेशन रहेंगे, एक किसका और दूसरा जो भी यहाँ पे अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला, दैट इज ए की पावर सॉरी जीरो टू इन्फिनिटी अगेन जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर जो लिखा पहले इसको आप लिख लो, दैट इज जेड एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू जेड की पावर एन, ठीक है। अब जो यहाँ पे लिखे ना उसको हम मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये जो है दोनों साइड में अपना मल्टीप्लाई हुआ, दैट इज ई की पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर एम माइनस वन, फिर यहाँ पर लिखो डी जेड, यहाँ पर लिखो डी एक्स, ओके, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने देखो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन दिया है जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर, देखो यहाँ पे ई की पावर माइनस जेड एक्स है, यहाँ पे ई की पावर माइनस जेड है, तो माइनस जेड कॉमन निकालने पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास प्लस वन बचेगा, ठीक है। ये एज इट इज़ है, दैट इज़ एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ पे देखो जेड की पावर यहाँ भी है कुछ, जेड की पावर यहाँ भी है कुछ, तो देखो इसको कैसे लिखूंगा, जेड की पावर एम प्लस एन माइनस वन, ठीक है। इसको उसको मैं ऐड कर लूँगा, दिस विल बी एम प्लस एन माइनस वन, यहाँ फाइनली लिखो डी जेड, यहाँ पर लिखो फिर डी एक्स, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे पुट जेड इंटू ये जो दिया हुआ है, दैट इज जेड इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू वाई, तो देखो आपको क्या मिलेगा, जेड इक्वल्स टू वाई अपॉन में एक्स प्लस वन मिलेगा, ठीक है, विच इज़ डी जेड इक्वल्स टू डी वाई अपॉन में एक्स प्लस वन, ओके। अब देखो क्या बन जाएगा आपको, ये गामा ऑफ एन जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर एम माइनस वन डी जेड इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये जो है आपको कांस्टेंट है कि नहीं, एक्स की पावर एन माइनस वन, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे जेड के रेस्पेक्ट में करूँगा, तो इसको जो हम लोग वाई के रेस्पेक्ट में चेंज करने वाले हैं, तो जो पहला इंटीग्रेशन रहेगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ वाई, तो यहाँ पे अपना एक्स जो है अपना कॉन्सेंट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको बाहर निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड, यहाँ पे लिखो एक्स प्लस वन जेड की पावर एम प्लस वन माइनस वन, ठीक है, यहाँ पे लिखो डी जेड, ऐसा इसको ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पे लिख लो डी एक्स, ओके। अब देखो इसी चीज़ को मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ पे जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर, ये अपने क्या हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, बिकॉज वाई देखो अपने क्या जेड इंटू एक्स प्लस वन दिया हुआ है, तो माइनस वाई अपना बन जाएगा, ये इस ब्रैकेट को ओपन कर लो यहाँ पे, और देखो यहाँ पे अपना क्या बन जाएगा, देखो जेड अपने देखो क्या है, जेड अपना वाई अपॉन में एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे वाई की पावर एम प्लस एन माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स, देखो अगेन बताओ क्या आएगा यहाँ पे, एम प्लस एन माइनस वन आएगा, ठीक है।
देखो डी जेड, देखो क्या लिखेंगे अपन डी जेड की जगह पे, डी वाई अपॉन में एक्स प्लस वन लिखो या फिर वन प्लस एक्स लिखो, एक ही मतलब है ठीक है। ब्रैकेट क्लोज को यहाँ पे लिख लो डी एक्स। ओके अब देखो अगले स्टेप पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 0 to infinity एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन में, देखो ये जो है ना वन प्लस एक्स, यहाँ पे देखो एम प्लस एन माइनस वन दिया हुआ है और देखो इसके पावर में क्या अपना वन दिया हुआ है, तो ये वन और ये वन आपस में कैंसिल हो जाएगा, अपने पास जो क्या बचेगा एम प्लस एन बचेगा, और उसको जो मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने वाला हूँ। तो देखो अपना क्या बन जाएगा, 0 to infinity ई की पावर माइनस वाई इंटू वाई की पावर एम प्लस एन माइनस वन, यहाँ पे लिखो डी वाई ब्रैकेट क्लोज करो, लिखा यहाँ पे डी एक्स लिखो ठीक है, इतना हो गया। फाइनली देखो ये क्या हो जाएगा, ये 0 to infinity एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन में है ना वन प्लस एक्स पावर एम प्लस एन, इसको देखो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं गामा ऑफ एम प्लस एन ठीक है, गामा ऑफ एम प्लस वन लिखेंगे और यहाँ पर लिख लो उसको डी एक्स लिख लो ठीक है। फर्दर देखो हम क्या करने वाले हैं, इसको 0 से इन्फिनिटी यहाँ पर इसको लिख लो ठीक है, या फिर चाहो तो उसको अलग से भी लिख सकते हो, या फिर चाहो तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना देखो ये जो अपना है, ये अपना पता क्या है, ये अपना है गामा एन है ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना एन है गामा एन और ये अपना क्या है गामा एम है, तो यहाँ पे गामा एन लिखा, यहाँ पे गामा एन लिख दिया और ये जो है अपन इसको नीचे में डिवाइड कर लेंगे, दैट इज गामा ऑफ एम प्लस एन, इसको अपन ऐसे लिख दिए और जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे लिख दो, दैट इज एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन, यहाँ पे लिख लो डी एक्स, और ये बताओ अपना क्या है बीटा ऑफ एम कॉमा एन है, तो फाइनली बताओ मुझे क्या मिला यहाँ पे, बीटा ऑफ एम कॉमा एन इज इक्वल्स टू गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एन अपॉन में गामा ऑफ एम प्लस एन, और ये अपना क्या था प्रूफ था, तो यहाँ पे लिख लो हैंस प्रूफ्ड, क्योंकि ये अपना क्या है, ये अपना रिलेशन है बीटा फंक्शन का गामा फंक्शन के साथ। तो आई होप आपको इस वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।